उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अब सियासी घमासान जारी हो चुका है। जहां एक और पोस्टर वार जारी है, तो वहीं अब इसकी एक तस्वीर कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कानपुर की सीसामऊ सीट भी उपचुनाव की श्रेणी में शामिल है और सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कब्जा काबिज करने के लिए कवायद करती हुई दिखाई दे रही है। अब इसकी एक तस्वीर कानपुर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख सड़क पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर वार शुरू हो गया है और ये पोस्टर लगा दिया गया है। इस पोस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाई दे रही है और पोस्टर में लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि इस पोस्टर में उस नेता की तस्वीर भी दिखाई दे रही है और साथ में सीएम का चेहरा भी है। कानपुर की सीसामऊ सीट उत्तर प्रदेश की उन तमाम सीटों में सबसे हॉट सीट कही जाती है, क्योंकि सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 22 सालों से अपना कब्जा जमाना चाह रही है, लेकिन अभी भी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाई है। और यहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि 40% मुस्लिम मतदाता इस सीट पर है और कहीं ना कहीं जो एक तरफा वोट करके वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और अब लखनऊ से सटे हुए कानपुर में ये तस्वीर देखी जा सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। कानपुर की सड़कों पर कानपुर की सीसामऊ सीट को लेकर अब पोस्टर वार जारी हो गया है और बटेंगे तो कटेंगे की तस्वीर यहां पर देखी जा सकती है। किस तरीके से सीएम का चेहरा लगाकर ये पोस्टर सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में लगा दिया गया है और ये पहली तस्वीर है जो कानपुर में इस तरीके से जारी हुई है, जिसमें पोस्टर वार की लड़ाई अब देखी जा सकती है। फिलहाल चुनाव की तारीखें 13 नवंबर से 20 नवंबर में तब्दील कर दी गई हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है कि इस चुनाव में हारने के डर से भारतीय जनता पार्टी लगातार तारीखों को बढ़ा रही है, लेकिन अब ये पोस्टर वार लखनऊ से लेकर कानपुर तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि इस सियासी संग्राम का नतीजा क्या होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।